भंडारे में दलितों से चंदा लिया, प्रसाद खाने गए तो भगा दिया। भंडारे में दलितों के साथ किया ऐसा सलूक। गांव में भंडारा होने वाला था, आलू पूड़ी और हलवे जैसे पकवान बनाए जाने थे, इसलिए भंडारे के लिए गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। गांव के दलितों ने भी ब्राह्मणवाद के असर में अपनी मेहनत की कमाई से चंदे की पर्ची कटवा दी। उन्हें लगा था कि गांव वाले ऐसा करने से उन्हें अपने बराबर समझने लगेंगे और उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। दलितों ने भी पैसा दिया और गांव में भव्य भंडारा भी हुआ, लेकिन जब दान देने वाले दलित सब्जी पूड़ी खाने पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। चंदा देने के बाद भी दलित दलित ही रहे और उन्हें बराबरी का हक नहीं मिल पाया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के गांव में घटी सच्ची घटना है। बरेली के आंवला तहसील के राजपुर कला गांव में दलितों को भंडारे से उठा दिया गया। उन्हें सवर्णों और ओबीसी के साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई। पहले तो उन्हें अलग लाइन में बैठने को कहा गया और फिर जब बहस हुई तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। राजपुर कला गांव के रहने वाले दलितों ने गांव के काली मंदिर में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के लिए होने वाले भंडारे के लिए दान दिया था। मामला 26 जनवरी का है, लेकिन आरोप है कि जब वो लोग भंडारे में खाना खाने पहुंचे तो गांव के ही 3 सगे भाइयों ने उन्हें वहां से भगा दिया। भगाने वाले तीनों भाई ओबीसी जाति के हैं। आरोपियों के नाम हैं सुंदरलाल मौर्य, रोशनलाल मौर्य और नन्हे मौर्य। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ितों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो दलित बहुजन संगठनों ने विरोध किया। फिलहाल बरेली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले ने फिर एक बार ओबीसी समाज में पसरे जातिवाद को सामने रख दिया है। ब्राह्मणवाद के प्रभाव में ओबीसी जातियां दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। ये बेहद निराशाजनक है। एक तरफ ओबीसी को चाहिए कि वो दलितों के साथ समानता का व्यवहार करे, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों को भी अपनी मेहनत की कमाई इस तरह के आयोजनों पर नहीं लुटानी चाहिए। बहुजनों को अपनी कमाई कथाओं या भंडारों पर लुटाने की जगह अपने बच्चों की शिक्षा पर लगानी चाहिए। बहुजनों को मिलजुल कर रहना चाहिए और बहुजनों का भला हवन कीर्तनों से नहीं बल्कि किताबों से होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।